जब कोई शिप या वेसल समुन्द्र में होती है तो उसको सिर्फ समुद्री तूफान और ऊंची ऊंची लहरों से ही मुकाबला नहीं करना पड़ता, बल्कि कुछ और अनएक्सपेक्टेड मुकाबलों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि पायरेट अटैक्स। और सुमालियन पायरेट्स इस काम के लिए दुनिया भर में मशहूर। इंटरनेशनल मरीन ब्यूरो के हिसाब से शिपिंग इंडस्ट्री को हर साल 16 अरब यूएस डॉलर का नुकसान उठाना पड़ता है। इस नुकसान की वजह ट्रांसपोर्ट डिलेज भी है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर पायरेसी पैदा करती है। सोमालियन पायरेट के अटैक करने की कुछ चंद लोकेशंस है। एक है सोमालियन सी, दूसरे नंबर पे आता है गार्डाफुल चैनल, तीसरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है गल्फ ऑफ एडन। वो तमाम शिप जिसको एशिया से यूरोप जाना होता है वो गल्फ ऑफ एडन को इस्तेमाल कर स्विस कैनल को क्रॉस करके मेडिटेरेनियन सी में निकलते हैं। पूरी दुनिया की ट्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा गल्फ ऑफ एडन को इस्तेमाल, जिसमें सबसे ज्यादा ऑयल ट्रांसपोर्ट वेसल यूज होती है, जिसपे मैं काम करता हूँ, और यही पे सोमालियन पायरेट्स के हमलों का खौफ बना रहता है। शिप्स पर पायरेट से बचने के लिए हम लोग क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हैं, इस पे हम कल बात करते हैं। तो ऐसी और रियलिटीज जानने के लिए इंस्टा पर फॉलो करते हुए जाएगा।